आज हम लोग शेजवान विथ प्रॉन्स, जिसे हम हिंदी में सॉस वाले झींगे कहते हैं, वो बनाएंगे। ये बनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है, अगर आप चाहे तो इसे कोतमीर से, कोरिएंडर लीव से आप जो है डेकोरेट भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। सो लेट्स प्रिपेयर। आज हम लोग शेजवान विथ प्रॉन्स बनाएंगे, उसको हिंदी में सॉस वाले झींगे भी कहते हैं। उसके लिए जो है मैंने प्रॉन्स लिया है, झींगे क्लीन करके उसको आप अच्छे से, मतलब पानी उसका पूरा निकाल दे। मैंने लिया है ऑयल, 2 नाप ऑयल चाहिएगा उसमें, 2 कैप्सिकम और सिर्फ 2 अनियन। ये जो है रेड कलर का, वो आप देख सकते हैं शेजवान चटनी है, ठीक है। ये मैंने लिया है सॉल्ट, ये अदरक लहसुन पेस्ट है 1 चम्मच, ये रेड टोमेटो सॉस है, ये रेड चिली पाउडर है, ये रेड चिली सॉस है। ये सारी चीज़ों से हम लोग जो है अपनी रेसिपी बनाएंगे, जो है सॉस वाले झींगे, या फिर यू कैन से शेजवान विद प्रॉन्स। ओके, प्रॉन्स विद शेजवान। देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कांदा डाला है और ऑयल डाला है। थोड़ा सा कांदा जब नरम हो तो इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डालना है और प्रॉन्स डाल देना है। मैंने इसमें अभी सॉल्ट डाला है और प्रॉन्स डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। थोड़ा सा पानी ज़रा अलग हो जाए, उसके बाद में आपको सारे मसाले एक साथ में डाल देना है। अभी मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किया है, अभी इसे आप पकने दीजिए। सारे मसाले इसमें आप डाल दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये पक रहा है अच्छी तरह से, उसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। ओके, और इसको ज़रा आप 5-10 मिनट तक, पाँच मिनट फास्ट पे रखें, फिर आप उसको थोड़ा स्लो कर ले। ओके, ये जो है पूरी तरह से बन चुका है। अब इसके अंदर, अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर लाइम डालें, और अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। और यह है कॉर्नफ्लावर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया है, ठीक है। अगर आपको चपाती से खाना है तो कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिए, और अगर आपको राइस या खिचड़ी से खाना है तो कॉर्नफ्लावर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो बटन है रेड वाला उसको आप लोग प्रेस कीजिए, बाजू में बेल का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। Thank you.